हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन क्लिक कर ले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूं जो आपके हेयर को लॉन्ग, स्ट्रांग, स्मूथ, सिल्की और शाइनिंग करेंगे। ये बिल्कुल इफेक्टिव रेमेडी है। ये सच में हमारे बालों को लंबा करता है, स्ट्रांग स्मूथ करता है। आप इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अदरक, लहसुन और प्याज का जूस निकाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हमने इसे निकाला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर चेक कर लें। अब हम एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे। देखिए बिल्कुल ही गर्म पानी है। अब इसमें हम जूस ऐड करेंगे जो हमने जूस बनाया है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी हम गुनगुना ही अपने बालों में लगाएंगे। अब हम चावल का घोल ऐड करेंगे इसमें। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये घोल कैसे हमने बनाया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी। वैसे हमने चावल को रात भर अच्छे से भिगोकर रख दिया था और पानी के साथ ही उसे हमने पीस लिया और 2 मिनट के लिए उसे हमने अच्छे से पका लिया है। आप ये ध्यान में रखें कि आपका घोल न ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए न ज्यादा पतला होना चाहिए। आपके बालों में जितना लगे आप उतना ही आप बनाएं। चावल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई पाया जाता है जो हमारे बालों के ग्रोथ को बढ़ाता है। रीजेनरेशन हमारे बालों को करता है चावल। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको कुछ डाइट प्लान भी करने पड़ेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम उसे अपलोड कर दूंगी कि हमें अपने बालों के लिए क्या क्या डाइट प्लान करना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। दही भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दही में विटामिन B12 पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है, इसे हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें ऐड करेंगे होममेड हेयर ऑयल। अगर आपके पास होममेड हेयर ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाकर चेक कर लें। अब 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस में विटामिन सी पाया जाता है, इसमें भी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमें हमारे बालों के लिए प्रोटीन की बहुत ही जरूरत होती है। अब इसे भी हम ऐड कर लेंगे। इससे हमारे बालों में जो डैंड्रफ होते हैं उसे बिल्कुल ही रिमूव कर देता है लेमन जूस। अब इसमें हम 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। ये हमारे बालों को सिल्की, शाइनिंग, स्मूथ करते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम गुनगुना ही पानी में, इसी तरह रखकर, गर्म पानी में रखकर हम गुनगुना ही अपने बालों में लगा लेंगे। स्कॉल्प से लेकर टिप तक पूरे बालों में आपके आ जाने चाहिए। और इसे लगाने के बाद अगर आपके पास शावर का कैप है तो आप उसे अपने बालों को कवर कर लें, अगर नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक से अपने बालों को कवर कर लें और 1 घंटा तक उसे वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें।
अगर आपको जल्दी है, इमरजेंसी है, तो आप शैम्पू भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदेमंद रहेगा आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लें, 2 घंटे बाद आप शैम्पू करें तो आपके बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो आप कोशिश करें और इसे जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कैसा रहा आपके लिए। ये देखिए, मैंने बस 1 मंथ यूज किया है, मेरे बाल कितने सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की और शाइनिंग हो गए, लंबे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं लंबे भी हुए हैं मेरे बाल। मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे, काफी लंबे हो गए हैं, 1 मंथ में लगभग 1 इंच तो बढ़ गया है फ्रेंड्स। मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आपके भी बाल 1 मंथ में 1 इंच बढ़ जाएंगे अगर आप इसी तरह से लगाते रहेंगे। वीक में 2 बार जरूर लगाएं और अपने डाइट जो होते हैं, खाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे भी शामिल करें जिससे आपके बाल लंबे होंगे, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी क्या क्या हमें खाने चाहिए बालों के लिए। तो आप जरूर ट्राई करें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत ही धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें, जिन्होंने किया है वो दोबारा से सब्सक्राइब बटन क्लिक ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपसे अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।